अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास टेंथ का टॉपिक जो डिस्कस करने लगे मेरे इस टॉपिक में, बेसिकली पॉलिनेशन बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स का आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है अक्सर इसकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का ये मतलब होता है कि जब फ्लावर के जो एंथर के पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, जब वो एंथर से उड़ के या किसी भी फॉर्म में स्टिग्मा पे फॉल करते हैं ताकि वो जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज करें, इसको पोलिनेशन कहा जाता है। देखिए बेटा, अगर हम एक फ्लावर ड्रा करें, जो कि हम लोग मेरे लास्ट वीडियोस तक भी करके आए हैं, ये इसके ये पेटल्स और ये सेपल्स हो गए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि एंडरोशियम है हमारे पास, जिसमें कि ये एंथर होता है, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, जिनको के ये पोलन ग्रेन्स ने जाके पोलन ग्रेन्स के अंदर के न्यूक्लियस होता है बेसिकली, वो यहाँ पे फॉल करते हैं। फॉल करने के बाद फिर एक ट्यूब सी बनती है और वो ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं। लास्ट वीडियो तक अगर आप मेरी देखो तो आप लोगों को सारा ये प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। तो व्हाट इज़ पोलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जब ये जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के ऊपर फॉल करके, फिर स्टाइल से होते हुए ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, जिसके बाद फिर बीज बनेगा, तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये पोलिनेशन है, बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल है आप लोग 5th-6th से पढ़ते हुए आ रहे हो इस चीज़ को। ओके बेटा, हमारे पास पोलिनेशन की 2 टाइप्स हैं, एक होती है जी सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि जब मिसाल के तौर पर ये एक पौधा है और ये उसके ऊपर फ्लावर या फूल लगे हुए हैं, अगर तो बेटा जी उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़ के उसी के स्टिग्मा के ऊपर या उसी पौधे के किसी भी फूल के ऊपर गिर जाएं, तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही फूल के अंदर, क्योंकि ये एक फूल के अंदर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बार बार मैं कहती हूँ, आप लोग देखो, आप लोगों को एंथर बड़ा क्लियर नज़र आ जाएगा, फ्लावर वगैरह अपने इर्द गिर्द देखो, फूल के अंदर पत्तियों के बाद का जो पार्ट था बकायदा, उसको हाथ लगाओ तो आपको उसमें येलो या डिफरेंट कलर्स के छोटे छोटे से दाने भी नज़र आएंगे, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेसिकली। सरसों का साग आता है घर में तो आप कभी गौर से देखो तो सरसों के साग का तो बकायदा, जब आप उसका फूल खोलो तो फूल खोलेंगे पत्तियाँ जब उसकी हटाओगे आप तो देखोगे कि आपको बाकायदा एंथर की शेप बिल्कुल इसी तरह की नज़र आएगी, फिलामेंट और ये इसी तरह का आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी नज़र आएगा। तो क्या होता है कि ऑब्जर्व किया करो अपने की, तो अगर बायो पढ़नी है इंटरेस्ट लेके तो नेचर को ऑब्जर्व किया करो। तो बेटा जी, हमारे पास जब एक फूल के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे गिरें या उसी पौधे के किसी भी फूल पे गिरें, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। जबकि क्रॉस पोलिनेशन ये होती है कि हमारे पास पौधे तो 2 हैं मगर स्पीशीज सेम होनी चाहिए, मींस के गुलाब के जो हैं वो गुलाब के ऊपर ही गिर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि गुलाब के ऊपर अब उनको किसी ने कहा हुआ कि आपने इस पर गिरना है। ये तो ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर रोज़ के पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे भी गिर गए मगर पोलिनेशन नहीं होगी, पोलिनेशन हमेशा सेम स्पीशी के ऊपर जो होती है। तो बेटा जी, जब हमारे पास एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे के एक प्लांट के पोलन ग्रेन उसके एंथर से मूव करके दूसरे के स्टिग्मा पे फॉल करें ऑफ सेम स्पीशी होनी चाहिए, रोज़ है तो रोज़ ही होना चाहिए, लिली है तो लिली। तो बेटा जी, ये यहाँ पर जो होता है इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन, जब स्पीशी तो सेम होती है मगर एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पे जाके फॉल करते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। और इसको फॉल कराने वाला कौन से एजेंट्स होते हैं? इंसेक्ट्स हैं, हनी बीज हैं, शहद की मक्खियाँ जब फूलों का रस चूसती हैं, अभी उसको भी हम डिस्कस करते हैं, तो वो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फ्लाई करके जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं और फिर वो जहाँ पर जाके बैठती हैं वो वहीं पर जाके उसकी करवा देती हैं पोलिनेशन। तो हनी बीज और इंसेक्ट्स वगैरह का बहुत बड़ा रोल है पोलिनेशन के प्रोसेस में। उसके बाद बेटा जी, आपकी बुक में मेंशन है एक टेबल, टेबल के अंदर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो थोड़े थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये बताया हुआ है कि जो फ्लावर जिनको के इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेशन होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको विंड की मदद से होती है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि हवा से जिनकी पोलिनेशन हो जाती है। हम लोग बचपन में वो बुढ़ी अम्मा से उड़ाते होते थे, आपने देखा होगा ग्राउंड में जाओ तो तोड़ो तो वो बीज से होते हैं इस तरीके से, वो पूरा वो बना था मगर वो असल में गौर करो तो वो बीज कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर उसके वाइट से होता है और नीचे उसके सीड होता है। ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर के सीड हैं और ये ऊपर इनको उसके विंग्स लगे हुए जो कि उसको उड़ाते हैं, पूरा एक वो होता था फूंक मारो तो वो सारे के सारे उड़ जाते हैं।
तो वो जितने बीज उड़ते हैं वो जहाँ पर जाके फॉल करेंगे, एक नया प्लांट बना देंगे, तो वो विंड पोलिनेटेड फ्लावर है। उसको कभी अगर आप जहन में रखो, कभी आपने गौर किया हो तो। अच्छा जी, अब देखिए बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि जो थोड़ा सा हम फूलों के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक टेबल तो आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है, मगर रीजंस आपको पता होनी चाहिए हर चीज़ के। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इंसेक्ट कोऑर्डिनेटेड फ्लावर ब्राइट कलर के क्यों होते हैं, तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या उन्होंने आपकी बुक में फीचर्स बताए हैं जो थोड़े बहुत हम डिस्कस करते हैं? एक है जी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, और एक है विंड पोलिनेटेड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिसको के इंसेक्ट्स पोलिनेशन जिनकी करते हैं और विंड वाले जिनको हवा करती है। देखिए बेटा अगर कलर की बात की जाए, मैं आपको बस ज़बानी समझाती जाती हूँ। कलर जो होता है हमारे पास, इंसेक्ट जो होते हैं ये ब्राइटली कलर होते हैं, और जबकि ये जो होते हैं कलरलेस भी होते हैं। कोई भी मसला नहीं होता इनका, मतलब कोई इनका वो चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इंसेक्ट्स के जितने ज़्यादा ब्राइट कलर होंगे, उतने ही हनी बीज या परिंदे वगैरह उनको दूर से देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, जबकि जो विंड वाले होते हैं उन फूलों का कोई काम नहीं है। उनके तो जितने वो हल्के कलर के भी होंगे, जैसे मैंने अभी आपको वो जिक्र के बूढ़ी मांगा, तो वो देखिए कि वो तो होती वाइट कलर की, क्योंकि हवा ने चलना है और इन फूलों ने जो होता है ऑटोमेटिकली अपने बीजों को जो होता है वो उड़ा देना, तो इनमें कलर का कोई इशू नहीं होता। जबकि ये जो होते हैं ये ब्राइट कलर के होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर नेक्टर बनता है। नेक्टर जो होता है बेटा स्वीट जूस होता है, कभी आप लोगों ने गौर किया हो, एक स्वीट सा जूस होता है वो प्लांट बनाता है। वो ही नेक्टर कलेक्ट करने जो हैं वो इंसेक्ट जो होते हैं वो आते हैं, हनी बीज वगैरह ये जो शहद बनाती हैं वो उसी से बनाती हैं। नेक्टर बेसिकली स्वीट जूस है जो कि ओवरी की बेस पर बनता है, तो ये वो जूस होता है जो कि इंसेक्ट जो होते हैं वो कलेक्ट करने आते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके टांगों के साथ चिपक जाते हैं। जबकि जो विंड वाले होते हैं उनमें नेक्टर वगैरह नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हवा ने चलना है, तो साथ ही उनके जो बीजों ने जो है वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास पोलन ग्रेन्स की बात करो, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके स्टिकी और हैवी होते हैं, जबकि इनके जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। पोलन ग्रेन्स ऐसा क्यों होता है? स्टिकी और हैवी क्यों होते हैं? क्योंकि हनी बी की टांगों के साथ जो ही चिपकते हैं, स्टिकी का मतलब होता है चिपक जाते हैं, और हैवी का मतलब होता है भारी होते हैं कि ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तभी क्रॉस पोलिनेशन होती है कि हनी भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उड़ के गई और वो वहीं पर फॉल कर जाते हैं। अगर तो लाइट वेट होते तो वो उनकी टांगों से चिपके रहते, गिरते ही ना, तो पोलिनेशन होती ना। जबकि जो विंड वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, क्योंकि उनका ये काम होता है, क्योंकि उन्होंने तो कोई उनको इशू ही नहीं है, उनका हवा नहीं चलना है, तो उनके ऑटोमेटिकली उन्होंने उड़ के जो है वो किसी के स्टिग्मा पे जाके फॉल कर देना है। इस वजह से इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ज़रा लाइट वेट होते हैं, ठीक है। और जबकि इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट वालों के स्टिकी और हैवी होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह के टांगों के साथ जल्दी से स्टिक करें और थोड़ी ही दूर जाके हैवी होने की वजह से वो गिर जाएँ और पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाए। इसके अलावा बेटा अगर हमारे पास ये इनकी बात की जाए, एंथरोस्टिग्मा की बात की जाए, तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके जो एंथरोस्टिग्मा होते हैं वो अंदर पेटल्स के अंदर क्लोज होते हैं, मतलब पत्तियों ने इसको बंद किया हुआ होता है। जबकि विंड में ऐसा नहीं होता, विंड में जितना ज़्यादा वो ओपन होंगे उतनी हवा चलेगी और वो तेज़ी से उड़ेंगे। इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता, इंसेक्ट में पत्तियों ने इनको क्लोज किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं जाना, पोलन ग्रेन्स ने इंसेक्ट्स ने आना है, हनी बीज ने आना है, उन्होंने आके उधर से कलेक्ट करके उनको उठा के तो पिकअप करके तो पोलिनेशन कर देनी है। इस वजह से पत्तियों के अंदर महफूज होते हैं बेसिकली एंथरोस्टिग्मा वगैरह, किस में? इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में, जबकि विंड में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बात की जाए विंड वाले की के इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो हमारे पास फैदरी होते हैं। जो इनके स्टिग्मा होते हैं वो फैदरी होते हैं। फैदरी का मतलब होता है कि ज़रा से बुशी बुशी से होते हैं, ताकि वो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को जल्दी से कैप्चर कर सकें। जबकि इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो पिन हेड की तरह होते हैं, कि जैसे पिन हेड, अभी मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है, ये पिन हेड की तरह इनकी शेप है। जो इंसेक्ट का स्टिग्मा है वो पिन हेड होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन ऑटोमेटिकली इसके पास आ ही जाना है। जबकि इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फैदरी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो होता है वो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करना होता है। जैसे एक रैकेट ले लो या छिक्का ले लो, उड़ते हुए किसी को पकड़ो, तो एग्जांपल वैसे दे रही हूँ कि वो उसको कैच कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ये इनके जो फ्लावर होते हैं वो विजिबल होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो ब्राइटली कलर के, मैंने आपको बता दिया होते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है फ्लावर्स की वो मोस्टली अपवर्ड होती है। अपवर्ड का मतलब होता है कि फूल जो है वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, किसी भी तरह का फूल हो वो ऊपर की तरफ लगा होगा, जबकि इनका जो होता है वो नीचे की तरफ भी फ्लावर की शेप हो सकती है। क्यों? क्योंकि विंड ने आना है, चलना है तेज़, जितनी तेज़ हवा चलेगी ये उतना ही ऐसे ऐसे हिलेंगे और साथ ही पोलन ग्रेन्स को लेके चले जाएंगे। जबकि इनकी ज़्यादातर अपवर्ड पोजीशन होती है,
अपर्ड होने का मतलब है ताकि इंसेक्ट्स इनको आराम से देख सकें। ये सारे फीचर आपकी बुक में मेंशन है, थोड़ी सी रीजनिंग नहीं मेंशन थी। अब मैंने आपको सबकी रीज़न बता दी कि क्या क्या वजूहत होती हैं। तो आज हम लोगों ने बस पोलिनेशन का ही टॉपिक डिस्कस करना था, जिसमें हम लोगों ने इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में भी फीचर्स भी पढ़ ली और विंड पोलिनेटेड के भी पढ़ ली और रीजन भी साथ मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।